सालिकम, मेरा नाम अमीना सैयद है और मैंने बहुत साल लगाए हैं तालीम के शोबे में, मैं काम करती रही हूँ। मुझे बेहद फिक्र है कि पाकिस्तान में तालीम का बहरान आया हुआ है और हमारे तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बच्चे सड़कों पे फिर रहे हैं, उनको स्कूल की तालीम नहीं मैसर, और जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं वो सीख नहीं रहे हैं। और उनका असर का टेस्ट भी हुआ था और पता ये चला, और पूरे पाकिस्तान में ये हर सूबे में ये टेस्ट हुए थे पता, और जिसका नतीजा ये था कि ये निकला कि इन बच्चों को अंग्रेज़ी या उर्दू या साइंस या मैथमेटिक्स हर चीज़ में वो बहुत पीछे रह गए अपनी उम्र के लिहाज से, अपनी क्लास के लिहाज से। तो ये एक बहुत एक शदीद बहरान है, इस पर बहुत ज़रूरी है कि हम काम करें, यह हमारे बच्चों का आइनी हक है और ये लाजमी है कि हम उनको ये हक दें। और मुझे यकीन है कि जब PTI की हुकूमत आएगी और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो तालीम पे बहुत काम होगा और हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में जाके जाने का मौका मिलेगा, अच्छी तालीम का मौका मिलेगा।